सभी को मेरा नमस्कार। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं भूमियार जाति से बिलोंग करता हूँ और जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ वो भूमियार जाति और भूमियार इतिहास के बारे में ही बनाता हूँ। और ये मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद भूमियार जाति का इतिहास नहीं जान पाता था, तो धीरे धीरे मैं खुद सर्च करके इतिहास को जानने की कोशिश किया और मेरे जैसे जो लोग हैं उन लोगों की जानकारी के लिए मैंने ये YouTube का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और मेरा उद्देश्य यही है कि मतलब YouTube पे कोई अगर व्यक्ति जाए और उसको भूमिहार जाति का इतिहास जानना हो तो उसे कम से कम संक्षेप में मेरे YouTube से उसको जानकारी मिल जाए। पूरा आपको विस्तृत रूप में तो जानकारी नहीं मिलेगी, उसके लिए तो आपको खुद वहीं पर जाना होगा। और मैं दूसरे भाइयों की जातियों का भी वीडियो देखता हूँ, हजारों वीडियो हैं मैं देखता हूँ, लेकिन उस पर कभी भी कोई गलत कमेंट नहीं करता हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं उस वीडियो को देख करके मैं सीखता हूँ और मैं उनमें कोई कमी निकालने तो बिल्कुल जाता ही नहीं। मैं मेरे वीडियो में भी बोलता हूँ कि मैं मेरे समाज मेरे भूमियार जाति का मैं संक्षेप में जानकारी दे रहा हूं, कौन अच्छा था कौन खराब था ये सब चीजें मैं ये 10 मिनट की वीडियो में आपको नहीं बता सकता, इसके लिए आपको खुद वहां जाना पड़ेगा। और इतिहास बताते समय आप एक एक चीज की जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि आप हिंदू होकर हिंदू जाति से जन्म रखते हो, ये गलत बात है। किसी का अच्छा खराब करने की तो मैं चर्चा ही नहीं करता हूं, मैं तो केवल बताता हूं कि ये इतने सारे राजा हैं, यहाँ के ये राजा थे, ये भूमियार जाति से आते हैं, बस मैं इतना ही कहता हूं। और आप मेरे पूरे वीडियो में किसी दूसरी जाति पर आप एक शब्द नहीं देखोगे, आप पूरा वीडियो देख लेना, आपको केवल और केवल भूमियार जाति पर ही आपको सारे शब्द दिखाई देंगे। ये मैं मनोज सिंह के लिए बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि भाई आप बहादुर हो, आप बहुत बलवान हो, आप होनहार भी हो, रहिए ना, पर कम से कम एक हिंदू होकर दूसरे हिंदू जाति से जलन की भावना मत रखिए। यदि मैंने भूमिहार साम्राज्य लिख दिया तो उससे आपको तकलीफ होगी, बनारस राज लिख दिया बनारस राज से भी तकलीफ हो गई, हथुआ राज लिख दिया तो हथुआ राज से भी आपको तकलीफ हो गई। ये तो गलत बात है ना। आपको अब क्या जलन है क्या तकलीफ है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन आपको इस YouTube के बारे में बता दूं, एक सीधा साधा भूमिहार चैनल है। अभी इसमें मैं पेशवाओं के बारे में भी बताऊंगा, मोयहालों की भी चर्चा करूंगा और हमारे त्यागियों की भी चर्चा करूंगा। तो आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए और आप जानकारी लीजिए, ये अच्छा ये बुरा इसके चक्कर में मत पड़िए। हमारा इतिहास आप कितना भी दबाने की कोशिश करोगे आप दबा नहीं पाओगे। कागजों में तो दबाए दबाए हो ना, उसको दबाए रखो। चलिए जाने दीजिए, आज का वीडियो मकसूदपुर राज के बारे में है। ये बिहार में टेकरी और गया जिले के पास में है। इनके पास 360 गांव थे, सालाना इनकी 6 लाख रुपए की आमदनी थी, टिकारी राज का ही एक हिस्सा था। और जो पहले राजा हुए थे वो उनका नाम पीताम्बर सिंह बहादुर था। उनका जो शासनकाल था वो 1763 से लेकर 1824 तक था। उसके बाद राजा टोडर नारायण सिंह बहादुर मकसूदपुर के दूसरे राजा बने। 1824 से 1853 तक इनका शासनकाल था। इनके बाद एक रानी रुक्मणी कुंवर हुई जिनकी एक बेटी थी, उनका विवाह जो है वो चैनपुर के राजा चैनपुर
सारण जिले में था, वहाँ चैनपुर स्टेट थी, वहाँ के एक राजा थे गजधर प्रसाद नारायण सिंह, जो एक सरिया भूमियार थे। उन्होंने भी 57 से लेकर 59 तक राज प्रतिनिधि के रूप में काम किया। उनके ही शासनकाल में नवरत्न मंदिर और राज मंदिर महल मकसूदपुर का निर्माण कराया गया, जिसका मैं आपको चित्र भी दिखा रहा हूं। मकसूदपुर के चौथे राजा बने रामेश्वरम प्रसाद नारायण सिंह बहादुर। इनका जन्म 29 मार्च 1851 में हुआ था। इनका शासनकाल 1902 तक था। और कुछ जानकारी में ये जानकारी है कि जो मकसूदपुर राजघराने का वैवाहिक संबंध था, विवाह का संबंध था, वो अधिकतर भूमियार राजघरानों से था, चाहे वो अनापुर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, या आपका तमकुही राज गोरखपुर कुशीनगर जो है इस समय, अमावन राज नरहन स्टेट, धर्मपुर सीहोर स्टेट, कुंडेश्वर स्टेट, केवटगामा, बरौन राज सिंहबाद, इन सभी भूमिहार राजघरानों में इनका संबंध था। कुछ नाम तो मेरठ वाला मैं नाम नहीं लिया हूँ, कुछ नाम मैं नहीं ले पा रहा, नहीं है इसमें, तो ये कुछ संक्षेप में आपको बता दिया मैंने। पांचवे राजा जो बने वो चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह बहादुर बने। इनका शासनकाल 1902 से 1941 तक था। इसके बाद मकसूदपुर का राज 1942 में देवी भगवती को बना दिया गया। विरासत की अखंडता और लोगों की सेवा के लिए मकसूदपुर राज ने मकसूदपुर ट्रस्ट बनाया। इनके ही राज के एक कुंवर वीरेंद्र सिंह थे, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी थे 1966 की बैच के। उसके बाद मकसूदपुर के राजा जगत किशोर प्रसाद 1941 से 1993 तक छठे राजा रहे, जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, और राजा राम किशोर प्रसाद नारायण सिंह मकसूदपुर के सातवें राजा बने, जो 93 से लेकर 2001 तक रहे राजा रहे। रजौली का 2000 एकड़ जमीन विनोबा भावे जी को भूदान में इन्होंने ही दान किया था। इस राज परिवार में एक और प्रसिद्ध नाम आता है, राजकुमारी निर्जा सिंह गुलेरी, जिनके बारे में आप लोग नाम सुनते ही जान गए होंगे, नाम सुनते ही आपको चंद्रकांता सीरियल नाम याद आ गया होगा। हाँ, चंद्रकांता सीरियल की प्रोड्यूसर यही थी, इन्होंने ही वो सीरियल बनाई थी, और भी ढेर सारी उन्होंने सीरियल बनाई थी, जैसे तूतू मैं सीरियल, आप पुराने सीरियल थे ये, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इन सब की प्रोड्यूसर यही रही हैं। और इनके बच्चे भी, श्रेया नाम है, वह भी इस सीरियल के प्रोड्यूसर रहे हैं। इसके बाद जो आठवें राजा थे मकसूदपुर के, वो अजय सिंह बहादुर थे, जो 2001 से थे, वो अभी तक इस राजघराने के राजा हैं। मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि इन्होंने ट्रस्ट बना दिया, वो इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ये ट्रस्ट को संभालने की जिम्मेदारी उन पर ही है, और इस ट्रस्ट के माध्यम से वो सारे कार्य वहाँ के करते हैं।